यह वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो को बनाने के लिए किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई गई है और ना ही इस वीडियो का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना है। यह वीडियो पूरी तरह से एनिमेटेड है और इसका श्रेय हम क्रैश एनिमेशन स्टूडियो को देते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल iqcracker में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 14। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा रोड एक्सीडेंट्स। तो यार एक सर्वे के अनुसार हमें ये पता लगा कि साल में जो है 60,000 से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स के कारण मर जाते हैं और ये एक्सीडेंट्स जो है दिन ब दिन हमारे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो है ट्रैफिक रोड में बढ़ते जा रहा है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो एक्सीडेंट्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा ट्रैफिक होता है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ने से एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। तो यार जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना इनकी वजह से काफ़ी सारा प्रॉपर्टी का तो लॉस होता ही है, साथ ही साथ काफ़ी सारा हमें पर्सनल इंजरीज भी आ जाता है। कभी कभार हमारे अपने जो है हमसे बिछड़ जाते हैं एक्सीडेंट्स के कारण। तो इसको जो है हमें शॉर्ट आउट करना, इसे जो है मिनिमाइज़ करना, इसको रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है एक्सीडेंट्स को दोस्तों हम लोग टोटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, अभी तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है जिससे कि हम लोग एक्सीडेंट्स को टोटली ज़ीरो कर दें, लेकिन हम लोग कुछ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। तो यार एज अ सिविल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए कि रोड को हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करें कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स जो है वो कम से कम हो सके। तो दोस्तों एक्सीडेंट्स को रोकने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्सीडेंट्स आखिर किस तरह से होते हैं और क्या कारण होता है एक्सीडेंट्स का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो दोस्तों एक्सीडेंट्स जो है उसको मेनली टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा कॉलिजन एक्सीडेंट एंड दूसरा आता है नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि कॉलिजन एक्सीडेंट्स क्या होता है। तो दोस्तों कॉलिजन का मतलब होता है टकराव, यानी कि ऐसे एक्सीडेंट्स जिनमें व्हीकल हमारा किसी चीज़ से टकराता है तो उनको हम लोग कॉलिजन एक्सीडेंट्स बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा जो कॉलिजन एक्सीडेंट है वो भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉलिजन विद पेडिस्ट्रियन। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेडिस्ट्रियन वर्ड है इसका मतलब है कि पैदल चलने वाले लोग, ठीक है। तो रोड में आप लोगों ने देखा होगा कि बेचारे लोग जब मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह सुबह कोई गाड़ी आके ठोक देता है ना उसको, तो वो जो है वो जो एक्सीडेंट का केस होता है वो हमारा कॉलिजन विद पेडिस्ट्रियन के अंदर आता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप आता है कॉलिजन विद मोटर व्हीकल या फिर ट्रेन या फिर साइकिल या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो दोस्तों इस टाइप के कॉलिजन में क्या होता है, दो गधे लोग गाड़ी चलाते हैं और आपस में आके कोलाइड कर जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं हम लोग कॉलिजन विद अदर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स या फिर कुछ, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है दोस्तों कॉलिजन विद फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों इस तरह के कॉलिजन में क्या होता है, गधा एक ही होता है और वही गाड़ी चलाता है, लेकिन घोचू क्या करता है वो जाके मतलब एक पोल वगैरह में या फिर फिक्स्ड बिल्डिंग वगैरह में जाके टकरा देता है गाड़ी को और बेचारा जो है वो हरिद्वार में पहुंच जाता है। तो इस तरह के जो कॉलिजन्स होते हैं जिसमें कि एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट होता है और एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग कॉलिजन विद फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स हमारे एक बिल्डिंग्स हो सकते हैं, केव्स हो सकते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर्स हो सकते हैं, पोल्स वगैरह हो सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स हो सकते हैं, ओके। तो ये सभी होते हैं फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं नॉन कॉलिजन टाइप एक्सीडेंट्स में। तो नॉन कॉलिजन टाइप एक्सीडेंट्स क्या होता है, दोस्तों इस तरह के एक्सीडेंट्स में कोई भी कॉलिजन यानी कि टकराव जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी टकराव नहीं होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार टकराव नहीं होता है तो एक्सीडेंट्स कैसे होता है। यार आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बड़े बड़े ट्रक्स या फिर व्हीकल्स जो होते हैं वो ओवरटर्न होने की वजह से पलटी खा जाते हैं या फिर ओवर स्पीड में जो है वो टर्निंग लेते हैं तो पलटी खा जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेसिंग कार्स वगैरह में देखा होगा, कार्स जब रेस करते हैं तो कैसे पलटी खा खा के घूम घूम के जाते हैं, ओके। आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्रिजेस वगैरह से जो है ड्राइवर्स व्हीकल को कुदा देते हैं। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जिनमें कोई भी कॉलिजन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है उसे हम लोग नॉन कॉलिजन एक्सीडेंट बोलते हैं, ओके। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सीडेंट्स के टाइप्स। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि एक्सीडेंट्स आखिर होते क्यों हैं, यानी कि काउजेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो दोस्तों रोड एक्सीडेंट्स होने के कारण जो है हमारे पास बहुत ही सिंपल है, रोड एक्सीडेंट्स जो है वो ट्रैफिक की वजह से होते हैं। जितना ज़्यादा रोड में ट्रैफिक होगा हमारा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोड ट्रैफिक होता है, ये मेरा इक्वेशन है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रोड एक्सीडेंट्स का कारण अगर हम लोग ट्रैफिक को डायरेक्टली बोलते हैं तो ये थोड़ा सा हमें गलत टाइप का लगता है। तो चलिए इसको सुधार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा और तोड़ मरोड़ के हम लोग देखते हैं। तो ट्रैफिक जो होता है ना दोस्तों, अगर हम लोग डिटेल में देखें तो ट्रैफिक के अंदर भी बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्रैफिक के अंदर जो है बेसिकली फोर टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। पहला है हमारा रोड यूज़र यानी कि जो ड्राइवर है गाड़ी का वो, फिर दूसरा है दोस्तों हमारा द व्हीकल जो हमारा गाड़ी है वो, तीसरा है दोस्तों हमारा द रोड इट्सेल्फ एंड इट्स कंडीशन, मतलब रोड और उसका कंडीशन वो भी डिपेंड करता है, उससे भी हमारा एक्सीडेंट्स हो सकता है। और तीसरा है दोस्तों हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे सर्दियों में जो है ज़्यादातर जो है फॉग मिस्ट वगैरह जो है वो आते रहता है रोड में, जिसके कारण हमारा जो है विजिबिलिटी वो काफ़ी कम हो जाता है। बरसात के टाइम में भी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसके पीछे कई लोग जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारा आता है ड्राइवर्स। कभी कभार आपने देखा होगा कि ड्राइवर्स जो होते हैं वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है पीते हैं, जिसके कारण वो लोग टल्ली हो जाते हैं और टल्ली होकर गाड़ी चलाने से वो लोग जो है गाड़ी को कहीं ना कहीं ठोक देते हैं। तो इस तरह के ड्राइवर्स से हमें बचकर रहना चाहिए और इन्हें जो है गाड़ियाँ नहीं देनी चाहिए। तो एक गलती होती है ड्राइवर्स की भी, कभी कभार वो लोग जो है ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते पूरी तरह से, प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते, जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट्स हो जाता है। फिर दोस्तों हमारा दूसरा आता है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाले लोग। तो आपने देखा होगा कभी कभार लोग जो है रोड को क्रॉस करने टाइम इधर उधर अगल बगल आजू बाजू में देखते नहीं है और रोड को क्रॉस करते हैं, कभी कभार अचानक से दौड़ के रोड को क्रॉस करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ड्राइवर्स को सरप्राइजिंगली कोई जब दिख जाता है तो वो लोग जो है अंधाधुन ब्रेक चला देते हैं या फिर ब्रेक के जगह एक्सलेटर चला देते हैं, जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट्स जो है वो हो जाता है। तो इसमें पेडिस्ट्रियंस की भी गलती होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज। एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज जैसे कि मैंने आपको बताया पेडिस्ट्रियन जो है वो किस तरह से सरप्राइजिंगली ड्राइवर के सामने आ जाता है, ये एक तरह से एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज हो गया। कभी कभार जो है कुछ बीच में फुटबॉल वगैरह आ जाता है रोड में तो ड्राइवर्स लोग जो है चौंक जाते हैं, या फिर कभी कभार जो है आप लोग देखते होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो है डायरेक्टली ग्रीन टू रेड में कभी कभार चल जाता है बिना पीला लाइट जले, तो इस तरह से भी जो है काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि ड्राइवर्स को जो है पीला लाइट संभलने के लिए जो है दिखता ही नहीं है। तो इसी तरह से जो है काफ़ी सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स के कारण भी हमारा जो है एक्सीडेंट्स हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है पैसेंजर्स। तो दोस्तों आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी कभार जो है कुछ हीरो लोग आकर के बैठ जाते हैं और वो लोग जो है व्हीकल के रुकने से पहले ही व्हीकल से उतरना चाहते हैं और जिसके कारण उनका जो है पैर वगैरह फिसल जाता है और काफ़ी सीरियस डैमेजेस हो जाते हैं, कभी कभार तो व्हीकल के नीचे ही आ जाते हैं। तो इस तरह की जो गलतियाँ होती है पैसेंजर्स से, तो इन गलतियों से भी एक्सीडेंट्स जो है होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसलिए हीरोगिरी नहीं करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों व्हीकल डिफेक्ट्स। अब दोस्तों गाड़ी की भी गलती होती है, कभी कभार जो है गाड़ी का ब्रेक्स फेल हो जाता है, कभी कभार स्टीयरिंग लॉस हो जाता है, कभी कभार लाइटिंग सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है गाड़ी को प्रॉपर सर्विसिंग करना चाहिए, प्रॉपरली जो है हमें उसके ब्रेक्स, उसके स्टीयरिंग्स एंड उसके हेडलाइट्स को प्रॉपरली चेक करना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा रोड कंडीशंस। तो इंडिया में आपको खासकर ये ज़्यादा ही देखने को मिलता है क्योंकि इंडिया में जो है रोड के कंडीशंस काफ़ी ख़राब है, जगह जगह जो है गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं गड्ढों में जो है कुछ बेचारे लोग अपने बाइक्स वगैरह या फिर कार वगैरह को घुसा देते हैं, जिनसे कि हमारा बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट जो है हो जाता है नॉन कॉलिजन वाला। ओके तो यही होता है यार, क्या करेंगे, आजकल इंडिया में रोड भी बहुत ख़राब है। आगे आता है दोस्तों हमारा रोड डिज़ाइन। अब दोस्तों हमारा कुछ कुछ रोड अगर जो इंडिया में अच्छा है उसके डिज़ाइन अगर अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ पर हम लोग एक तरह से कहते हैं डेथ जोन हो जाता है। ठीक है, एक कुछ ऐसा इंटरसेक्शन होता है, आप लोगों ने देखा होगा रोड्स में कुछ कुछ ऐसा पॉइंट्स होता है रोड्स में जहाँ पर हमारे एक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे टर्निंग्स होते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये जो है हम लोग का एक रोड का डिज़ाइन का डिफेक्ट हो सकता है जिसके कारण वहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह के डिज़ाइन के डिफेक्ट्स को हमें जो है इंजीनियर से चेक करवाना चाहिए ताकि हमारे एक्सीडेंट्स जो है बाद में मिनिमाइज़ किए जा सकें। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है वेदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वेदर का कंडीशन भी है जो कि काफ़ी एक अहम रोल प्ले करता है रोड के एक्सीडेंट्स को होने में। कभी कभार आप लोग देखते होंगे खासकर विंटर सीजन में, अभी जो है हमें सुबह सुबह फॉग काफ़ी देखने को मिलता है,
दिल्ली वगैरह जैसे शहर में अगर आप जाएंगे तो सामने वाला पर्सन आपको दिखता ही नहीं, इतना पॉल्यूशन उधर। तो इस तरह की जगह में जो है हमें फॉग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्नोफॉल्स होते हैं तब हमें जो है मिस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर हमारा रेनी सीजन में रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह की सिचुएशंस में जो है हमें विजिबिलिटी काफ़ी कम आ जाती है ड्यू टू वेदर कंडीशंस, खराब वेदर के कारण हमारा जो है विजिबिलिटी काफ़ी कम होता है, ड्राइवर को कुछ आगे का दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट कारण आता है एनिमल्स। तो हाँ यार, ये काफ़ी कॉमन बात है इंडिया में, इंडिया में कुत्ते बिल्ली जो है वो रोड के अगल बगल में आजू बाजू में जो है घूमते रहते हैं, और ये खासकर एक तरह से मुसीबत बन जाती है ड्राइवर्स के लिए। वो लोग जो है गाड़ी चलाते हैं अपना आराम से बिंदास, और ये एनिमल्स जो है बीच में कुत्ते वगैरह जो है घुस देते हैं, तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो है कुत्ते मर जाते हैं, ड्राइवर को ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन कभी कभार ऐसे कुछ केसेस हो जाते हैं बेचारा ड्राइवर एनिमल को बचाने के चक्कर में खुद ही मर जाता है। तो दोस्तों एक्सीडेंट्स होने के कारण और भी कई सारे हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ को जो है आपको बता दिया है। तो इस तरह के कुछ कारणों की वजह से हमारा रोड में जो है जनरली एक्सीडेंट्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग एक्सीडेंट्स को आखिर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी एक्सीडेंट्स होने से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में हमारे पास ऐसे तीन तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम लोग एक्सीडेंट्स को जीरो तो नहीं कर सकते, पर हाँ उसे मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। जितना हमारा होता है एक्सीडेंट्स जनरली, अगर हम लोग ये तीन तरीकों को फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा हमारा एक्सीडेंट्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये तीन तरीके आखिर क्या है। तो सबसे पहला तरीका, ठीक है, तरीका नंबर वन इंजीनियरिंग मेजर्स, तरीका नंबर टू इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, एंड तरीका नंबर थ्री एजुकेशन ऑफ पब्लिक इन द ट्रैफिक लॉज। तो चलिए इन सभी तरीकों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा इंजीनियरिंग मेजर्स। तो इंजीनियरिंग मेजर्स का मतलब क्या होता है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो होता है ना रोड्स का, वो एक प्रॉपरली अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ रोड होना चाहिए। उसमें जो है मिनिमम इंटरसेक्शंस होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो अलग अलग लेवल्स पे होना चाहिए, जिससे कि गाड़ी जो है वो टकराने की चांसेस जो है गाड़ियों के कम हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग का यहाँ सबसे पहले इंजीनियरिंग मेजर्स में आता है रोड डिज़ाइन। तो रोड का जो है डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, कर्व्स जो है वो स्मूथ होने चाहिए, ज़्यादा जो है शार्प कर्व्स नहीं होने चाहिए, वरना हमारा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो स्मूथ कर्व्स होने चाहिए, प्लस इंटरसेक्शंस में हमें जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें ज़्यादा जो है इंटरसेक्ट नहीं कराना चाहिए रोड्स को। और अगर किसी भी इंटरसेक्शन में ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हमारा आ जाता है तो उस इंटरसेक्शन में हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि एक ओवरब्रिज ज़रूर बना दें। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है रोड लाइटिंग। तो रोड लाइटिंग जो है यानी कि जो इंटरसेक्शंस में हमारा देखते होंगे सरकार जो है लाइट वगैरह लगा देती है, तो एक तरह से ये भी हमारा एक इंजीनियरिंग मेजर्स है। यानी कि रोड में अगर अच्छा विजिबिलिटी हमारा ना हो तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है ज़्यादा है, और ख़ासकर ये जो है इंटरसेक्शंस में होना ही चाहिए क्योंकि वहीं पर हमारा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें लैक ऑफ विजिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा जो है दिखाई नहीं देता है क्योंकि व्हीकल किधर से आएगा किधर से ठोकेगा कुछ अता पता ही नहीं रहता है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल्स। तो दोस्तों जिस तरह से सिविल इंजीनियर्स का काम होता है रोड के डिज़ाइन को देखना, उसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम होता है व्हीकल के डिज़ाइन को देखना। तो व्हीकल जो है किस तरह से डिफेक्टिव है या नहीं है, डिफेक्टिव होने से क्या क्या मेजर्स लिए जा सकें, इन सबको जो है एक तरह से प्रॉपरली बनाना चाहिए, ताकि अगर व्हीकल में कुछ चीज़ डिफेक्टिव है तो वो व्हीकल को चलाने वाले पर्सन को जो है पता चल सके। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सिंपल इंजीनियरिंग मेजर्स जिनको यूज़ करके हम लोग एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक टेबल शो हो रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंजीनियरिंग मेजर्स को यूज़ करके कितने सारे एक्सीडेंट्स जो है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सुपर एलिवेशन को जो है प्रॉपरली बनाया गया, जिससे कि हमारा यहाँ पर क्या हुआ 60% ऑफ एक्सीडेंट जो है वो कम हो गए। तो इस तरह से आप टेबल में देख सकते हैं सारा डेटा आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स आता है इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन। तो इसमें क्या होता है हम लोग लॉज एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस डालते हैं जिससे कि हमारा एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्पीड कंट्रोल के लिए एक सिग्नल डालते हैं कि यहाँ पर जो है इतना स्पीड ही अलाउड है, इससे आप धीरे ही चलाएं ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। फिर हमारा दोस्तों यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, प्रॉपरली जो है रोड्स का ट्रैफिक मेंटेन किया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है वो कम हो सके। फिर यहाँ पर दोस्तों हमें ट्रेनिंग एंड सुपरविजन भी कराना पड़ता है, ठीक है,
जो जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल देखते होंगे, आप लोग व्हीकल चलाते हैं तो आप लोगों को व्हीकल चलाने का लाइसेंस चाहिए होता है। तो लाइसेंस तो ऐसे ही बनता नहीं है आजकल, जो है किसी भी तरह से बन जाता है, लेकिन पैसे देके नहीं। हम अगर जेन्युइनली ओरिजिनल लाइसेंस बनाने जाएं तो हमारा जो है एक ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, तो वो होता है हमारा ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, जिसके अंदर हम लोग ड्राइविंग टेस्ट दे करके ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में पढ़े थे ना, किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस लगाए जाते हैं रोड्स में, बिल्कुल वही चीज़ होते हैं। ट्रैफिक साइंस दिए जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स दिए जाते हैं, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं कि यहाँ पर जो है स्पीड लिमिट इतना है, यहाँ पर जो है व्हीकल का लोड लिमिट इतना है। तो यही सब होते हैं हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस जो कि हम लोग यहाँ पर डालते हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है मेडिकल चेकअप। तो दोस्तों जो ड्राइवर होता है उसका आई साइट जो है अच्छा है या नहीं, उसका हाथ पांव जो है वो अच्छा है या नहीं, मेंटल कंडीशन अच्छा है या नहीं, या फिर उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है कि नहीं, ये सब जो है हम लोग उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने टाइम देखते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, तो ये सब भी उसी में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है हमारा मेडिकल चेकअप। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हमारे इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस के अंडर में आ जाता है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर आता है एजुकेशन ऑफ पब्लिक इन ट्रैफिक लॉज। तो दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रैफिक का लॉ क्या होता है, रोड में हमेशा बाईं ओर चलो, जिब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करो, ये सभी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही सब हमारे ट्रैफिक के लॉज हैं, तो इसके बारे में हमें जो है सभी पीपल को एजुकेट करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, छोकरे छोकरी लोग हो, तो सबको जो है एजुकेट करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, हमारा अवेयरनेस बढ़ सके सभी पीपल्स के अंदर, वो लोग जो है ट्रैफिक लॉज को फॉलो कर सके, ताकि हमारा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की डेट में हम लोग इन तीन मेजर्स को यूज़ कर रहे हैं एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो आने वाला हमारा फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। माना जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे स्मार्ट हैं, काफ़ी एडवांस हैं, वो जो है खुद ब खुद इतने मतलब ऑटोमेटिक टाइप होंगे कि एक्सीडेंट्स होगा ही नहीं। क्योंकि यार इंसान टल्ली होकर के गलती कर सकता है, लेकिन मशीन जो है वो गलती नहीं करता है मोस्ट ऑफ केसेस में। ठीक है, काफ़ी ऐसे रेयर केसेस हो सकते हैं जिनमें हमारा एक्सीडेंट्स जो है वो हो जाएगा, एक दो एक्सीडेंट्स तो हो ही जाएंगे उसमें भी, ऐसा नहीं है कि पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी के मुकाबले उनमें जो है एक्सीडेंट्स कम होगा, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होंगे और वहाँ पे सारा जो है काम मशीन देखेगा, हमारे लिए भी ऑटो पायलट होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे उस टाइम। तो यार हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, बस हमें अच्छी तरह से अपने फ्यूचर को देखना है, और इसके लिए हमें जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो है पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिलहाल मैं जो है इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपनी तरफ से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए।